go, Baba. बहुत बहुत बधाई आपको। राम राम भाई सारे ने बात कुछ सुनाई दो और क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा थक जाते हैं ना? नहीं 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 नहीं। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना, उसको कुछ सिखाया। बाजार से सब्जी कितनी बढ़िया क्यों ना लाए, उसमें जब तक तड़का नहीं लगता है ना, टेस्ट नहीं आता है। नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंडी जो डिब्बे में, तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सुन। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। Rightful manner. बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झूला लेके चले जाना। हाँ जी, तो आप उसको रास्ता बताइए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। ओहो भैया, झुको मत। बहुत बहुत बधाई। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए आइए बैठिए। अब आप बताइए कैसे हो भैया? रौनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूँ और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूँ, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। और सारे रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहां पर रेडियो का मैं इकलौता हूं आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। सो बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे, और मैं पक्का मानता हूँ कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे, और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। बिल्कुल। सो सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा, तो मैं उनसे बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है। सो नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। लो बाबा, प्राइम मिनिस्टर। बहुत बहुत बधाई आपको।
और दुनिया में भारत की चीज है, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है, वो अकेला नहीं जाता है आजकल, क्योंकि रेडीमेड ब्रांड का जमाना है। और आप बड़ी मदद कर रही है, कुछ सुनाइए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नाम जानवी है और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसे अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कार और साड़ियों के माध्यम से आगे लेके जाऊं। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कारों को भूलिए मत, उसे अपने साथ रखिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमेशा ये रूट्स आपको याद होनी चाहिए। यो श्रद्धा से मेरा दोबारा मिलने का मौका मिला है, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और ये पुरस्कार ये एक्नॉलेज करता है कि जो लोग घर में एक स्मार्टफोन के जरिए कंटेंट बनाते हैं वो भी एक स्किल है। ये एक्नॉलेज करता है ये पुरस्कार, इसका बहुत 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 धन्यवाद। देश में अक्सर सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक वजहों से परिस्थिति काफी गंभीर हो जाती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि इसमें अगर एक ह्यूमरस पॉइंट ऑफ व्यू या हास्य रस मिलाया जाए तो एक पॉजिटिविटी फैलाई जा सकी है। जो भी परिस्थिति हो, आई थिंक हमारे देश के लोग इतने प्यारे हैं कि परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो हम हर चीज में मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेते हैं। और मैं अपने कंटेंट से ये वजह दर्शाने की कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार से सब्जी कितनी बढ़िया क्यों ना लाए, उसमें जब तक तड़का नहीं लगता है ना, टेस्ट नहीं आता है। तो ये हास्य की चीजें जो है वो तड़का का काम करती है जिंदगी में। और आज आपकी स्पॉन्टेनिटी ने सबको फ्लोर कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी एंड द अवार्ड गोज टू कविताज किचन। एक हाउसवाइफ जो बन गई डिजिटल एंटरप्रेन्योर, शी हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन सेलिब्रेटिंग द रिच क्यूलिनरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। कविता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना सिखा, उसको कुछ सिखाइया। सर धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं खाना बनाना सिखाती हूँ लोगों को, और मैं चाहती हूँ कि घर के मतलब जो फैमिली मेंबर है वो घर के हर मेंबर को खाना बनाना सिखाए, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमें पता चल गया कि खाना बनाना कितना जरूरी है सीखना। तो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी हम अपनी लाइफ स्किल में ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ में मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल वगैरह में हम बच्चों को बाकी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उसके साथ अगर हम एग्रीकल्चर भी सिखाएं तो बच्चों को ये पता चलेगा कि एक अनाज उगाने में कितना मेहनत होता है, तो शायद उसकी वजह से फूड वेस्टेज कम होगा। और खाना बनाने में कितनी मेहनत होती है तो उसकी वजह से भी वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। तो ये मेरी सोच है, मैं चाहती हूँ कि ऐसा अगर हो तो फ्यूचर में अच्छा होगा। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। मैथिली नमस्ते। नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 मैं बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला।
डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला, सिंघी नाद बजावत गावत, सिंघी नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई। द रणवीर शो, बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं सर, मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी आप, मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा वेवलेंथ नहीं, मैं विषय पूछना, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियंस येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्त भोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं, मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मेरा जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है। कभी उस पर सोचिए ना जी। जी, योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां है, नहीं हो पाती तो नींद, योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो सारे के बहुत होते हैं भाई। कहा अंकित? साई राम है। वाह। बताओ जरा अपना वाक्य। राम राम भाई सारा ने। हाँ। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए सबको, और चैलेंज भी दे दीजिए आप। तो चैलेंज तो ये है भाई, मतलब डेली वर्कआउट करना, आप कुछ भी काम करते हो, क्योंकि नुगायरा दुनिया में 2.5 सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा अच्छी नींद और आधे माँ जा और बच्चा उड़ सब कुछ। तो भाई पहला सुख निरोगी काया, तो अपनी हेल्थ ही काम करो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, थोड़ा बहुत टाइम अपने काटो जरूर।